हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आप लोग देख रहे होंगे कि मेरे चेहरे पे बहुत अच्छी एक स्माइल है। वैसे नॉर्मली तो मैं कोशिश करता हूँ कि स्माइल करते ही बात करूँ तो ज़्यादा बेटर है, ताकि बच्चों को अच्छा लगे। क्योंकि अगर मैं मुंह बनाऊंगा तो बेचारे बच्चों का तो वैसे ही कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि मैं इतना स्माइल क्यों कर रहा हूँ। रीज़न है, आज 12th का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, और जिस तरीके से 12th का रिजल्ट आया है मेरे लिए एक्चुअली में अनबिलीवेबल है, बिकॉज 91% रिजल्ट। मैं कभी कहते ना ये एज्यूम भी नहीं कर सकता कि किसी बोर्ड एग्ज़ाम का या किसी भी तरीके की, इस तरीके की जो ऑफिशियल एग्ज़ाम्स होती हैं, चाहे वो कंपटीटिव एग्ज़ाम्स हो चाहे वो बोर्ड टाइप के एग्ज़ाम्स हो, उनका 91% रिजल्ट आ सकता है। एक्सेप्ट लॉकडाउन में आया था 100% रिजल्ट, तो लॉकडाउन में तो बच्चे मास प्रमोशन वाले थे इसलिए 100% रिजल्ट तो होना ही था। लेकिन 91% रिजल्ट आया और जिस तरीके से लोगों के मार्क्स आए हैं मुझे बहुत अच्छा लगा। अब आप ऐसे समझो कि मैं एक कहते ना कि बहुत ज़्यादा बच्चों को नहीं पढ़ाता हूँ, नॉर्मल मेरे पास गिने चुने बच्चे हैं। स्टिल उतने ही गिने चुने बच्चों में 4 बच्चों के 90+ मार्क्स है और मोर देन 20 बच्चों के मार्क्स जो हैं वो 80+ हैं, और 70% में तो काफ़ी सारी लिस्ट है। और जो बच्चों के नंबर गड़बड़ हुए हैं वो दो ही सब्जेक्ट में हुए, एक तो स्टेट्स में और एक कंप्यूटर्स में। तो देखो, अभी आपके लिए अगर कोई इन्फॉर्मेशन आता है तो डेफिनेटली मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको प्रोवाइड कर दूं, और जिन बच्चों का स्टेट्स में प्रॉब्लम हुआ है उन लोगों के लिए मैं कुछ ना कुछ ज़रूर कर दूंगा। कंप्यूटर्स के लिए जिनका प्रॉब्लम हुआ है, देखिए मैं आपके लिए तो उतना कुछ नहीं कर सकता, हाँ, बट सजेशन है कि आपके लिए जो मैंने PDF प्रोवाइड किए थे वो आप कर लेना। कुछ PDFs मैं और ऐड कर दूंगा, और वो जो PDFs है वो मैं ऐड कर दूंगा मेरे ऐप पर ही, वहाँ पे फ्री में आप एक्सेस कर सकते हो। उसके लिए आप टेंशन नहीं लेना। मैं चाहूँगा कि सब बच्चे पास हो जाएं जिनका भी प्रॉब्लम हुआ है, क्योंकि इन्हीं दो सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हुआ है। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ये तो था 12th के लिए, अब ये वीडियो बनाने का जो मेन मकसद है वो है आपके लिए, यानी 10th के स्टूडेंट्स के लिए। आप लोगों का भी रिजल्ट जल्द आने वाला है, और जल्द मतलब कब आने वाला है, 11th of May। मैंने कल ही वीडियो बनाते समय कह दिया था कि अगर आज 12th का आ रहा था विद इन 2 or 3 days, मैंने कमेंट भी किया था, किसी स्टूडेंट ने पूछा था सर हमारा कब आएगा, 10th का कब आएगा, तो मैंने कहा था 2 या 3 दिन, और देखो वही हुआ, 2 या 3 दिन। आज 9 है 11 को रिजल्ट आ रहा है, ऐसा लग रहा है भगवान मेरा सब सुन लेते हैं। सिर्फ 2 दिन के बाद आपका रिजल्ट है 11th of May। एक बेनिफिट है, आपका सुबह 8 बजे रिजल्ट है, 8 o'clock, और वेबसाइट जो है वो सेम है, www.gseb.org, और एक व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है। उस व्हाट्सअप नंबर पे आप चाहे तो मैसेज करके आप अपना रिजल्ट मंगा सकते हैं। ये ऑफिशियल नंबर है, किसी फ्रेंड का या मेरा नंबर नहीं है, ये ऑफिशियल नंबर GSEB का है। आप उन पर मैसेज करेंगे तो आपका पूरा रिजल्ट आपको सेंड कर देंगे। अब जिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है सर्च करने में, उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक और व्हाट्सअप नंबर दोनों दे रहा हूँ, आप उस पे क्लिक करके डायरेक्टली कर सकते हैं। फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम होता है तो आप अपना नंबर जो है, अपना रोल नंबर है वो मुझे बताना, मैं आपको सर्च करके हेल्प कर दूंगा, ठीक है। फिलहाल यही बात आपको इन्फॉर्म करनी थी, और मैं जिस तरीके से 12th में रिजल्ट आया है उसी तरीके से उम्मीद करता हूँ कि 10th का भी रिजल्ट आएगा, और आप सभी के अच्छे मार्क्स आएंगे। फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपना करियर चूज करना, क्योंकि यहाँ से एक बहुत बड़ा डिसीजन आपको लेना होगा, कॉमर्स में जाना है, आर्ट्स में जाना है या साइंस में जाना है। आप आराम से सोच के डिसीजन लेना, कोई जल्दबाजी नहीं है, कल इन्जॉय करना, परसों रिजल्ट है इसलिए कल इन्जॉय करना, खाना पीना बढ़िया से, और टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कहते ना, हुई है राम रुचि राखा, का कर तर्क बढ़ावा साखा। टेंशन लेने से कोई फायदा नहीं है, जो होना होगा वो होगा ही। सो बेटर है जस्ट चिल और स्माइल करते रहो, आगे बढ़ते रहो, बस इतना ही, मेहनत करते रहो, मेहनत दिखनी चाहिए भगवान को ताकि वो तुम्हारी मदद करे, ठीक है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे एंड हैव अ ब्यूटीफुल डे।